सो हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी। आज अपनी क्लासिक 350 होने लगी है भाई पेंट। आपने इससे पिछली वीडियो में देखा कि वो हो चुकी थी पूरे तरीके से डिसमेंटल, और आपने देखा कि एंड में वो किस तरीके से दूसरी शॉप पर गई थी भाई। एक रिक्शे की मदद से हम अपनी क्लासिक 350 लेकर गए थे दूसरी शॉप पर, और आज ये होने जा रही है भाई पेंट के प्रोसेस इसके आज स्टार्ट होने वाले हैं। और चलो देखते हैं इसमें कितना वक्त लगता है। और यार इस क्लासिक 350 के पेंट में भी कुछ अलग है, वो कुणाल भाई ने अपने मन पसंद से उसे बनाने की सोची है, ठीक है। पर ये क्लासिक तो होगी, पर क्लासिक पूरे तरीके से लगेगी नहीं, ये आपको पता लग जाएगा जब ये एकदम पेंट जॉब इसके फाइनल हो जाएंगे। पर बाकी चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हमने तो काफी कुछ अच्छा सोच के चल रहे हैं, अब वो चीज हो पाती है नहीं हो पाती ये भी आपको वीडियो में पता लग जाएगा। बने रहो इस वीडियो में एंड तक। और अगर आप भी अपनी क्लासिक 350 में कुछ अलग कराना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आ सकती है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एकदम हमारे ऐसा कुछ करा लो, पर अपना भी आप कुछ आइडिया लगा सकते हो, कुछ उसमें फेर बदल कर सकते हो और अपना कुछ टेस्ट दिखा सकते हो अपनी बुलेट में। और भाई जो इसका टैंक था अपनी क्लासिक 350 का, वो एकदम खराब हो चुका था, उसके अंदर काफी ज्यादा रस्ट था, तो इसमें टैंक भी रिप्लेस कर रहे हैं हम, और BS6 का टैंक हम इसमें लगा रहे हैं। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर आपकी बुलेट क्लासिक BS3 BS4 है तो उसमें BS6 का टैंक कैसे लगेगा, ये चीज भी आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो बाकी अब बातें हुई बहुत, अब जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू और चलते हैं भाई मायापुरी। बाय द वे माय नेम इज हर्ष एंड यू वाचिंग HC नोमैडिक। सो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं भाई मायापुरी अंकल जी की शॉप पे, और ये रहे भाई अपनी क्लासिक 350 के कुछ पार्ट्स। और इनको घिसने के बाद भाई इन पे पट्टी चेक हो गई, अभी अंकल जी यही काम कर रहे हैं। और ये साइड वाले टूल बॉक्स है, ठीक है, एक तो ये रखा और ये शायद फिल्टर बॉक्स है, बाकी के छोटे मोटे पार्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अभी अंकल जी को ये सारे पैनल घिसने देते हैं, ठीक है, सैंड पेपर की मदद से, और जब इस पे पुट्टी चेक होगी तब मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। अभी अच्छे से इन सभी पार्ट्स की सफाई करने देते हैं। सो दोस्तों अब अपनी क्लासिक 350 के कुछ पार्ट्स पे भाई अच्छे से घिसावट करने के बाद रेगमार से पुट्टी खींच दी अंकल जी ने, और अभी कुछ ही पार्ट्स पे खींची है, अभी इसकी टंकी पे नहीं करा है और के मड गार्ड्स पे नहीं करा आगे पीछे, तो अभी इतना कुछ इसमें काम हुआ है। सो दोस्तों ये आ गए भाई अपनी क्लासिक 350 के मड गार्ड, ठीक है, आगे वाला ये रखा और पीछे वाला ये रखा। अभी अंकल जी ने इस पे जो हल्के फुल्के माइनर से डेंट थे वो सब तो निकाल दिए हैं, और रेक मार की मदद से थोड़ा सा इसे रब भी कर दिया है ताकि इस पे जब पुट्टी चेक करें तो अच्छे तरीके से चेक हो पाए, पुट्टी अच्छे तरीके से पकड़ बना सके अपनी। सो दोस्तों आज अपनी क्लासिक 350 के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी देखो अंकल जी इसकी डिस्क प्लेट जो होती है वो साफ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इस पर भी अच्छे से प्राइमर लग सके। और ये रहे बाकी अपनी क्लासिक के छोटे मोटे पार्ट्स, ये इसकी टी हो गई और ये चैन सेट हो गया, तो बाकी छोटे मोटे पार्ट्स यहाँ पर रखे हैं क्लासिक 350 के। और ये रहे भाई अपनी क्लासिक के टायर्स शॉकर्स, और बाकी मतलब जितना भी छोटा मोटा सामान होता है वो यहाँ रखा है। और ये रहे अपनी क्लासिक 350 के मडगार्ड, जिस पर अच्छे से पुट्टी चेक करके उन्हें यहाँ पर रख रखा है धूप में सूखने के लिए, और बाकी के पार्ट्स यहाँ पर रखे हैं। और इस समय भाई क्लासिक 350 में सारे पार्ट्स में पुट्टी उट्टी सब कुछ चेक हो चुकी है। सो दोस्तों ये रही अपनी क्लासिक 350 की टंकी। अभी आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो कौन से मॉडल की है, ये सिग्नल्स मॉडल की है, अच्छा BS6 की टंकी है, और ये BS6 की टंकी लगा रहे हैं हम अपनी BS3 क्लासिक में। रीजन ये है देखो, तो जो पुरानी वाली अपनी टंकी थी वो काफी ज्यादा बेकार हो चुकी थी, मतलब उसमें रस्ट काफी ज्यादा लग चुका था टंकी में भी, अंदर भी, मतलब अंदर भी बाहर भी खूब ज्यादा रस्ट था, स्क्रैच ज्यादा थे, हाँ अंदर उसमें रस्ट लगा हुआ था, हाँ फिर मैंने बदलना सही समझा। और क्या, अब अंकल के पास जो BS3 वैसी सेम नहीं थी, हाँ तो ये मुझे थोड़ी साफ दिखी, अब इसमें नीचे पत्ती लगानी पड़ेगी जो BS6 कन्वर्जन में नॉर्मली लगाई जाती है, हाँ हाँ हाँ, तो वो पत्ती लगा के नीचे तब ये टंकी काम करेगी। और मैं जरा आपको दिखाता हूँ कुणाल भाई जिस पत्ती की बात कर रहे हैं वो होती कहाँ है, तो ये देखो भाई यहाँ पे वो लगेगी पत्ती और उसके बाद वो नोजल आ जाएगी, है ना, हाँ, टी आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे सेंसर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भाई एक सेंसर आता है BS6 में, BS3 में तो वो किसी काम का नहीं है, लगाना है यहाँ पे, इसमें लगाना पड़ेगा वो सेंसर, नहीं तो पेट्रोल निकले खत्म ही करा दो, हाँ है ना, या फिर इसमें वो सेंसर लगाओ, क्योंकि बोल्ट लगाएंगे बोल्ट से हो सकता है लीकेज हो जाए, अच्छा कुछ भी सीन हो सकता है, तो अंकल कह रहे हैं भाई सेंसर लगाओ खत्म करो, क्यों रिस्क लेना, और क्या यहाँ पे सेंसर आ जाएगा तो पेट्रोल तो लीक होने की बात ही छोड़ दो। तो बाकी अभी ये अच्छे से घिसावट कर रहा है हमारा भाई, क्या नाम है तेरा, विवेक, विवेक भाई हमारे यहाँ पे अच्छे से घिसावट कर रहा है टंकी की, तो अभी इसको ये करने देते हैं, उसके बाद इस पे पुट्टी चेक होगी, उसके बाद एक और बार घिसावट होगी, फिर एक और बार पुट्टी चेक होगी। सो दोस्तों अब अपनी क्लासिक 350 के टैंक पे लगने लगी है भाई पुट्टी, तो ये पुट्टी लगने के बाद भाई इस पे एक और बार रेगमार से घिसा जाएगा,
ताकि जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। उसके बाद और प्रोसेस स्टार्ट होंगे पेंट जॉब के। सो दोस्तों, अब क्लासिक 350 के जितने भी सारे छोटे मोटे बड़े जितने भी पार्ट्स थे, इसकी टंकी, इसके मडगार्ड, इसके साइड वाली डिक्की, बैटरी कवर है और ये हेड खोल, ठीक है, इन सब चीज़ों पे सरफेसर लग चुका है। और सरफेसर के बाद इन पे एक और बारी पुट्टी चेक कर दी गई है। अब इसके बाद भाई बेस कोट लगना चालू हो रहा है अपनी बुलेट के पार्ट्स पे। और एक बार इसकी चेसी भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो दोस्तों, ये रही अपनी क्लासिक 350 की चेसी, इस पे भी अच्छे तरीके से सरफेसर मार दिया है। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद जब इस पे सरफेसर लगना चालू होगा। और ये देखो भाई, एक ये आई है बुलेट, इसका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, देख रहे हो भाई कैसे आती है यहाँ पर गाड़ियाँ। सो दोस्तों, अब अपनी क्लासिक 350 की जो ये पट्टी लगाई थी, अब उसे अंकल काट रहे हैं। इसके बाद इस पर अंडरकोट होगा। तो ये देखो भाई, कुछ इस तरीके से पट्टी काटी जाती है। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता था, ये मेरे को कुणाल भाई से पता लगी। देखिए, जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन पे इतना, जितना बड़े पार्ट्स पे प्रोसेस करा जाता है, हर पार्ट टू पार्ट छोटे पे नहीं होता। वो कंपनी से तो और बुरी हालत में आते हैं, वो तो ये सरफेसर और वो पट्टी मारना, फिर उनको पेंट करना हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कल ही एक गाड़ी देखी थी, वो डाइजेस्टॉम के, मैं तो यार इतने टाइम से आ रहा हूं, ज्यादातर गाड़ियां देखता भी हूं। हां, वो पता नहीं उसने किसी डीलर से खरीदी थी। अच्छा। उतनी भाई गालियां दे रहा उसको, कह रहा है यार कि ना मतलब इतना बकवास पेंट हो रहा है, जहाँ से टच हो रहा है वहीं से उखड़ जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी करा था उसे, उंगली से कर दिया था मैंने तो। ये देखो जितनी बेकार क्वालिटी की इसकी सीट का पेंट है ना, पपड़ी भी बन रहा थोड़ा सा, वो देखो हाथ लगाते ही छूटेगा। वो मैंने ही छोड़ा है ऐसा तो भाई उसका पेंट था। तो जितने भी बड़े पार्ट्स होंगे इन पे पहले इनकी घिसाई होगी, फिर उसके बाद सरफेसर होता है, फिर उसके बाद पट्टी होती है। पहले पट्टी चेक हुई थी। हाँ, फिर ये सरफेसर लगा, मतलब वो तो डेंट निकलेंगे पट्टी चेक होगी जो छोटे मोटे हैं, फिर उसके बाद सरफेसर लगेगा, फिर दोबारा पट्टी चेक होगी, इसके बाद पेंट प्रोसेस। हाँ, उसके बाद इसे घिसा जाएगा दोबारा पट्टी को, फिर उसके बाद बेस कोट होगा, अंडरकोट, सॉरी, बड़े पार्टों पर, फिर क्लियर। हाँ, अंडरकोट, बेस कोट, फिर क्लियर, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस है। मैं गया था करोड़ फीट लेने। हाँ, मैं किसी पर्टिकुलर शॉप के तो नाम नहीं लूंगा, मैंने काफी शॉप पे देखा, सबके ना फ्रेम थे वो देसी फ्रेम थे, देसी इंसान की बाहर से बने हुए। अच्छा, ये फ्रेम फिर मैं लाया जेन्युइन, और ये ऐसे ही नहीं, ये भी किसी सीट वाले की शॉप से खरीदा है। हाँ, जितना प्राइस उनका था ना, कम प्राइस में मेरी सीट बन जाएगी। अब जो सीट बनेगी वो तो बाद में देखने को मिलेगी सबको, कैसे बनवा रहा हूँ सब कुछ वो भी बाद में दिखेगी, उसको अनवील नहीं करते। इसीलिए मैं आपको ये जेन्युइन फ्रेम लाया, उसमें इतना वेट है जितना एक जेन्युइन सीट में रहता है, जेन्युइन सीट का ही है, इसलिए इसमें भी वेट है। फिर इस पर अभी फॉर्म लगेगा, सीट कवर चढ़ेगा, जो एक उनके प्रोसेस होते हैं लगी है। हाँ, तो मैं पहले इसको पेंट कराऊंगा, इससे रस नहीं लगेगा, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। एंटी रस्ट भी तो आता है। ये देखो मटको लाया था अपने चैनल पे। हाँ, बाकी स्पेयर पार्ट तो मतलब ये देखो भाई, ये जब खुलेंगे ना, जब भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अभी क्योंकि ये पैक हो रखे हैं तो थोड़े नई नई चीजें हैं ना, तो हम चाह नहीं रहे इनको खोलना अभी, बाकी जब ये फिट होंगे तब दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा भाई हमारी क्लासिक का इंजन है, ये वाला जो है। और ये देखो, ये ओल्ड इज गोल्ड, इस पे गिरा पड़ा है और मजे से स्क्रैच मार रहा है हमारे नए से, थोड़े से इससे तो नए है। तो अभी जब अंडर कोट अप्लाई होगा अपनी क्लासिक के पार्ट्स पे, इन बड़े बड़े पार्ट्स पे, तब मैं आपको मिलता हूँ। सो दोस्तों, अब लगने लगा है भाई अंडर कोट अपनी क्लासिक के पार्ट्स पे। और ये साइड वाली डिग्गी है, ये देखो इसमें अभी अंडर कोट लग रहा है। तो दोस्तों, अब लग चुका है भाई साइड वाली डिग्गी पे अंडर कोट। अब बारी है भाई इस मडगार्ड की। मतलब अंडर कोट मैं सोचता था कि अंदर अंदर का ही होगा मामला, पर बाहर भी लगता है क्योंकि ये बाहर की तरफ रहता है पार्टी वाला। अच्छा, तो दोस्तों, अब बारी है भाई अपने इस मडगार्ड की, और इसमें अंडर कोट लगने जा रहा है भाई। ये देखो कुछ इस तरीके से लगता है भाई अंडर कोट। सो दोस्तों, अब इस वाले मडगार्ड पे भी लग चुका है अंडर कोट। अब बारी है भाई इस वाले मडगार्ड की, और इस पे करने देते हैं अंकल जी को, फिर जब टंकी पे करेंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, अंदर से तो अंडर कोट लग चुका था इस मडगार्ड का, बाहर से भी अंडर कोट लग रहा है। और ये देखो, अब इस पर अंडर कोट लग चुका है, और इसके आगे वाले मडगार्ड पे भी लग चुका है, और इसकी साइड वाली डिग्गी इस पे भी लग चुका है। तो अब अंकल जी को इस पर अंडर कोट मारने देते हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, ये आ गया भाई अपनी क्लासिक का हेड खोल। अब इसकी बारी है भाई अंडर कोट होने की, इसके बाद भाई आ जाएगी हमारी टंकी। तो भाई अब बारी आ चुकी है अंडर कोट होने की हमारी टैंक की, हमारे नहीं क्लासिक 350 के टैंक की। अब इस पे होगा अंडर कोट, और हमारी टंकी भी चेंज है, ठीक है, नई टंकी लगा रहे हैं। BS60 टंकी।
BS3 है। हाँ, भाई ये BS6 की टंकी लग रही है इसमें, अब ये भी BS6 हो गई क्लासिक। हम पागल बना सकते हैं, कहेंगे भाई हमने BS3 कन्वर्ट करवाई है। हाँ टंकी देख लो। हाँ भाई ये तो है, पागल बना सकते हैं। तो अभी अंकल जी को अंडरकोट मारने देते हैं इस टैंक पे, और जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो भाई अंडरकोट हो चुका है अपनी क्लासिक 350 के टैंक पे, और अब आते हैं यहाँ पर कल। तो ये हो गया भाई अपना टैंक भी अंडरकोट, और अब हम चले भाई घर की तरफ, बाकी के कुछ पार्ट्स इसके वहाँ रखे हैं। सो दोस्तों अब आते हैं कल, और आपके लिए तो बस एक कट की बात है भाई, हमारे लिए पूरा दिन है। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से भट्टी में सूखेंगे, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल। सो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूँ भाई मायापुरी, और आज हमारे ये जो टूल बॉक्स टंकी इन सब पे गोल्डन लाइन्स प्रिपेयर होनी चालू हो जाएगी। ये मैं अभी अंकल जी को दे रहा हूँ इसकी साइड वाली डिग्गी, और इस तरफ की जो दूसरी साइड की डिग्गी थी उसकी गोल्डन लाइन यहाँ पर खिंच चुकी है, ये देखो जैसा कि आप देख सकते हो। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंकल जी इस पे कैसे गोल्डन लाइन्स बनाएंगे, मतलब अभी आप देख लो कुछ इस तरीके से वो लाइन्स प्रिपेयर होंगी इस पे, और अभी दिखाता हूँ वो कैसी बन जाएगी। अगर अंदर कुछ रखा है तो वैसे से ऐसा कुछ हो जाएगा सीन। और भाई ये रही है अपनी क्लासिक 350 की टंकी, इसको भी ज़रा निकाल लेते हैं और अंकल जी को दे देते हैं। ये देखो भाई, ये कल तक आपने देखा इस पे अंडरकोट लग चुका था, और आज इस पे सारा कुछ काम इसका हो जाएगा, और आज अपना पेंट जॉब जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ अंकल जी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं साइड वाले डिग्गी पे, ये देखो। और सबसे अच्छा काम पता है मेरे को तब लगता है जब क्लियर क्लियर लगने को होता है, और जो लाइंस निकल कर आती है ना उसके बाद जब क्लियर लगता है अपने पार्ट्स पे सारे, तो वो चीज़ काफ़ी एकदम सेटिस्फाइंग सा कर देती है मेरे को, और एक अलग ही चमक देखने को मिलती है जब अंकल जी क्लियर मारते हैं ना पार्ट्स पे सारे। सो दोस्तों ये वाली डिग्गी भी अब हो चुकी है लाइन लग के रेडी, अब वो वाली भी हो चुकी है, अब बारी है भाई टंकी की। सो दोस्तों ये देखो भाई टंकी पे भी गोल्डन लाइंस बन चुकी है, और ये चेक करो। सो दोस्तों अब अंकल जी ने यहाँ पर भी गोल्डन पेंट अप्लाई कर दिया है, और अभी इसका राज मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि वो लाइंस में ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी हमारी टंकी। तो अभी इन सब चीज़ों को सूखने देते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। और हमारे टैंक पे हो चुका है ये गोल्डन लाइंस का काम, इस पे हो चुका है, मतलब अभी हुआ नहीं है, अभी होगा वो चीज़, पर अभी शुरुआत हो चुकी है। और अब आज हमारा पेंट जॉब जो था वो पूरा डन हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ असेंबलिंग रह जाएगी अपनी क्लासिक 350 की। और जो पेंट का इस पे काम होने वाला है ना भाई, उससे ये हो सकता है थोड़ी बहुत क्लासिक ना भी लगे, कुछ और लगे, वो भी आपको एंड में पता लग जाएगा वीडियो के। सो दोस्तों अब क्लासिक के टैंक पे लगने लगा है भाई ये रॉयल इनफील्ड का स्टीकर, और अब अपना पेंट का जितने भी प्रोसेस होते हैं जो मेन होते हैं वो शुरू होने लगेंगे। और अभी आप सब सोच रहे होंगे कि भाई ये रेड कलर का क्यों आ रहा है यहाँ पर रॉयल इनफील्ड पर, अभी बने रहो लास्ट में वीडियो में इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, वो अभी आपको सस्पेंस बना के रख रहा हूँ मैं, ठीक है, वो चीज़ अलग ही निकल के आने वाली है। ये लग चुका है भाई इस तरफ का भी स्टिकर देखो, वैसे तो मेरे को ये रेड कलर में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा ही लग रहा है, रॉयल एनफील्ड है ना, प्यारी लग रही है रेड कलर में भी, पर कोई नहीं हमारा थोड़ा अलग डिज़ाइन है। और जिन लाइन्स की मैं बात कर रहा था वो भी अभी आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में ही, वीडियो में बने रहो कि वो कैसे बनेंगी इन पर। और यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है भाई पेंट का प्रोसेस, हमारा जो हेड खोलता है उसका तो बेस कोट कर भी दिया है पिंटू भाई ने, वो रखा हुआ। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद जब इन सभी चीज़ों पे बेस कोट होने लगेगा। सो दोस्तों अब लगने लगा है भाई अपनी क्लासिक के टैंक पे बेस कोट, और भाई एक हफ्ते से हम इसके पेंट जॉब के चक्कर में लगे हुए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए भाई इसको तो पूरा रेडी होने में। और ये आप देख सकते हो अंकल जी ने अभी नीचे तो इसके मार दिया है बेस कोट, अभी ऊपर की तरफ मार रहे हैं, और गोल्डन लाइन का वर्क अभी आपने देखा इससे पहले हो चुका है, तो अब इसका बेस कोट हो रहा है, उसके बाद इस पर क्लियर लगेगा, फिर हमारा जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पे भी यही सब प्रोसेस होगा, उसके बाद पेंट जॉब एकदम डन हो जाएगी भाई, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हो ये अभी बेस कोट लग रहा है इस पर। तो दोस्तों अब अपनी टंकी हो चुकी है अंडरकोट लग के रेडी, ठीक है, अब इसके बाकी के जितने भी छोटे मोटे पार्ट्स थे वो सब की बारी है, और अभी अंकल ने साइड वाली डिग्गी वहाँ पर ले भी गए हैं उठा के, और अब इसकी बारी है भाई, और इसके बाद ही वो लाइंस का राज खुलेगा, ठीक है ना, गोल्डन लाइंस का जो राज है ना
वो एक बार बेस कोट हो जाए उसके बाद ही खुलेगा वो। तो भाई ये लगने लगा है साइड वाली डिग्गी पे बेस कोट, पहले अंदर की साइड मार रहे हैं अंकल जी, उसके बाद बाहर की साइड में मारेंगे। सो दोस्तों साइड वाली डिग्गियां तो हो चुकी है, अब अपनी क्लासिक की फाइनल अब बारी आ चुकी है भाई शॉकर पाइप की, और अभी अंकल जी इस पे मारेंगे बेस कोट। तो दोस्तों शॉकर पाइप पे भी बेस कोट लग चुका है और डिग्गी पे भी बेस कोट लग चुका है, अब बारी है भाई इस हेड खोल की। तो दोस्तों अब हेड खोल की बारी है और अब यहाँ पर शुरू हो रहा है भाई इस पे बेस कोट होना। बेस कोट में भी काफी ज्यादा मजा सा आ जाता है भाई देख के, मैट कलर में भी मेरे को काफी ज्यादा प्यारी लगती है भाई बुलेट बुलेट क्या। अब जिस मैं और एक और बात बतानी चाहता हूँ, जो अब मैं कह रहा हूँ ना भाई, अभी बुलेट जैसी तैयार हो रही है, बस सीट का फर्क रहेगा, बाकी पेंट जॉब जो है वो क्लासिक का पूरा बुलेट में कन्वर्ट हो चुका है। और मैं अभी आपको क्या कह रहा हूँ वो अभी बने रहो वीडियो में, वीडियो के एंड में आपको खुद ही पता लग जाएगा। सो दोस्तों हेड होल पे भी हो चुका है बेस कोट एकदम तैयार, अब बारी है भाई ये पीछे वाले मडगार्ड की। सो दोस्तों अब क्लासिक के जो मडगार्ड्स थे उन पे भी बेस कोट एकदम हो चुका है और अब ये सूखने के लिए साइड में रख दिए गए हैं, और अब हो रहा है भाई इसका फिल्टर कवर एकदम बेस कोट लग के रेडी, और इसके बाद होगा भाई इसका बैटरी कवर। ये रहा भाई इसका बैटरी कवर, अभी फिल्टर कवर के बाद बैटरी कवर की बारी है। तो फिल्टर कवर हो चुका है अपना डन, और ये आ गया अब इसका बैटरी कवर। चलो भाई अब बारी आ चुकी है अपने बैटरी कवर की, और अब ये होगा बेस कोट लग के रेडी। अभी अंकल जी को इस पे करने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं भाई थोड़ी देर बाद, जब अंकल जी क्लियर की बोछार करेंगे इन सभी पार्ट्स पे और चमक जो निखर कर आने वाली है। बने रहना भाई वीडियो में, ये वीडियो का एंड है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, इसी पार्ट में आपको सारी शाइन देखने को मिल जाएगी पेंट जॉब की और हमारी एक हफ्ते की मेहनत की। तो ठीक है अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और ये दोबारा अंकल ने फिल कर लिए गन और बैटरी कवर पर लगने लगा है भाई बेस कोट। सो दोस्तों अब क्लियर होने लगा है भाई अपनी क्लासिक के पार्ट्स पे, और सबसे पहले हो रहा है भाई बैटरी कवर पर क्लियर अप्लाई, और ये देखो भाई अभी थोड़ी थोड़ी चमक आपको देखने को मिल रही होगी। और अभी अंकल जी जब इसे पूरे अच्छे तरीके से क्लियर इस पे मार देंगे, उसके बाद तो एक नेक्स्ट लेवल की चमक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और क्लियर मारने के बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो क्लियर की और अपने पेंट की शाइन को थोड़ा अच्छे तरीके से इन्हेंस करते हैं, वो भी अगर मैं यहाँ पर रहा तो आपको दिखा दूंगा। बाकी देखो भाई कितने अच्छे तरीके, बाकी आप देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा प्यारी शाइन निकल कर आई है अपने इस बैटरी कवर में। और अब बारी है भाई ये थोड़े थोड़े पार्ट्सों की, ठीक है थोड़े थोड़े क्या थोड़े बड़े पार्ट्सों की बारी है, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ जब अंकल बड़े पार्ट्स पे मारेंगे क्लियर कोट। तो अब बारी आ चुकी है भाई शॉकर कवर पे क्लियर लगने की, और अभी इस पे भी मैं आपको चमक चेक कराऊंगा, और एक बार मैं टॉर्च मार के भी दिखाऊंगा इसमें जो स्पार्कल्स आ रहे हैं ना भाई उभर के, वो अभी मैंने ऑन कैमरा तो आपको नहीं दिखाया पर ऑफ कैमरा मैंने देख लिए। ठीक है तो कैसा लग रहा है कुणाल भाई, कैसे हो आप भाई? क्या बताऊं गाड़ी सही हो रहा है। तो मतलब कुणाल भाई भी ना एक ऐसी रस्सी पे खड़े हैं कि भाई पता ही नहीं क्या निकल कर आने वाला है, है ना क्या कुछ भी हो सकता है। और हम भी भाई यही देख रहे हैं अभी जो निकल के क्या आने वाला है, नहीं पता। सोच तो बहुत कुछ लिया है। तो ये वाला भी हो गया एकदम फाइनल, और अभी मैं आपको स्पार्कल्स भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ये इस पर टॉर्च में मार रहा हूँ, और ये देख रहे हो आप स्पार्कल्स कितने ज्यादा प्यारे आ रहे हैं निकल के, कैमरे में क्यों दिखेगा। अरे तो थोड़े पैसे भी तो ज्यादा फूके हैं। ठीक है भाई काफी ज्यादा प्यारे स्पार्कल्स आ रहे हैं निकल के। और अब ये आ गया भाई दूसरी साइड का शॉकर कवर, और इसके बाद देखते हैं अंकल जी कौन सा पार्ट उठाते हैं अपनी क्लासिक 350 का। वैसे क्लासिक नहीं अब तो इसे बुलेट ही कहने लगूंगा मैं, रुक जाओ अभी आपको दिखाता हूं मैं कि क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं। तो भाई ये रही अपनी क्लासिक की नहीं बुलेट की डिग्गी साइड वाली, और अभी से हम यहां आराम से रख देंगे और अब इस पे क्लियर अप्लाई होगा। तो मैं जरा ना सारे पार्ट्स इसके आसपास ही ले आता हूँ उठा के, ठीक है ना। ये भाई एक और आ गई साइड वाली डिग्गी, एक तो दे दी मैंने और एक री, ये अब इस पे भी क्लियर अप्लाई होगा। और इसको मैं कहाँ रखूँ यार, नीचे रख देता हूँ, चलो ठीक है अंकल के पास रहेगा, उसको यहाँ रख देते हैं आराम से, ये रख दिए। और अब इसके मडगार्ड भी उठा के ले आता हूँ। ये रे भाई इसका पीछे का मडगार्ड, इस पे बेस कोट हो चुका है, और आ जा भाई ये आ गया भाई इसका पीछे वाला मडगार्ड, और ये रहा इसका आगे वाला मडगार्ड, अब इन पे भी हो जाएगा भाई।
क्लियर लग के एकदम रेडी। तो अभी जब अंकल जी इन बड़े बड़े पार्ट्स पे मारेंगे क्लियर, तब मैं आपको दिखाता हूँ। पर एक डिग्गी पे वहाँ पे होने लगा है और वो स्टैंडर्ड के भी लुक में आ चुकी है थोड़ा थोड़ा। तो वो वाली तो डिग्गी हो चुकी है भाई अपनी फाइनल क्लियर लग के। और ये देखो भाई, अब ये क्लासिक से हो चुकी है स्टैंडर्ड। वाह भाई वाह, लाइंस देखो यार कितनी ज्यादा प्यारी आई है निकल कर इस डिग्गी पे। और अभी इस पे क्लियर लग जाएगा, उसके बाद देखना एक अलग ही रौनक आएगी भाई। तो दोस्तों क्लियर लगना चालू हो चुका है साइड वाली डिग्गी पे। और अभी देखना जब अंकल जी सामने की तरफ इसमें क्लियर मारेंगे तो कितना ज्यादा प्यारी लुक आने वाली निकल के। ये देखो और यार एक चीज ना मेरे को आज पता लगी, अंकल जी ने बताई है कि जो गोल्डन लाइंस का सीन होता है ना हमारी साइड वाली डिग्गियों पे, ये क्लासिक में थोड़ा अलग बन के आती है और स्टैंडर्ड में थोड़ी अलग बनकर आती है। अगर मेरे घर में भी वैसे तो ये दोनों मोटरसाइकिल्स है, क्लासिक भी है मेरे पे स्टैंडर्ड भी है, तो एक बार मैं घर जाकर भी देखूंगा ये चीज़ कि ये चीज़ है भी या नहीं। एक बार आप भी मेरे को कमेंट करके बता देना कि ऐसा कुछ सीन है या नहीं है, ये सिर्फ अफवाह तो नहीं। और ये भाई इस पर भी हो चुका है क्लियर, अब पीछे से क्लियर मार रहे हैं अंकल जी इसमें। तो भाई अब बारी है पीछे वाले मडगार्ड की, ठीक है। साइड वाली डिग्गी तो कर दी है अंकल जी ने तैयार क्लियर लग के। अब अंकल जी ने कहा कि भाई पीछे वाला मडगार्ड भी दे दो इसका, तो मैंने कहा देते हैं अंकल जी। और मैं काफ़ी समय बाद ना दिन में कोई पेंट जॉब फाइनल होते हुए देख रहा हूँ। ये आ गया भाई अपनी बुलेट का मडगार्ड, अभी से क्लासिक नहीं अभी से बुलेट ही कहूँगा मैं। और जब इसके टंकी की बारी आएगी ना तब देखना भाई कितनी ज़्यादा तगड़ी लुक निकल कर आने वाली है। तो भाई ये क्लासिक के मडगार्ड पे लगने लगा है अब क्लियर, और ये पीछे वाला है ठीक है मडगार्ड। और क्लियर से यार थोड़ी सी ना मेरे को एलर्जी सी भी है, मेरे गले में चला जाता है ना मेरे मुँह में तो दर्द सा कर देता है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे से ही बना रहा हूँ ये वीडियो। और ये भाई तैयार हो चुका है अब अपना पीछे वाला मडगार्ड भी, और अब उठा के लाते हैं भाई आगे वाला मडगार्ड और अंकल जी को देते हैं, ठीक है। ये तो फाइनल हो ही गया, और थोड़ा सा थोड़ा क्या, हमारा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ रहा है इस क्लासिक 350 को तैयार करने में। और ये दे दिया मैंने अंकल जी को आगे वाला मडगार्ड। तो अभी अंकल जी को आगे वाले मडगार्ड पे क्लियर मारने देते हैं, क्योंकि यार मेरे को लग गई प्यास और मैं अभी आ रहा हूँ पानी पी के। तो भाई ये रही अपनी टंकी, अब इसके स्टिकर हटेंगे और ये हो जाएगी क्लासिक से स्टैंडर्ड। तो दोस्तों अब आ चुकी है भाई टंकी की बारी, और अभी देखना जब इसमें टेप हटेगी, ठीक है, वो चीज़ है सबसे ज़्यादा देखने वाली। तो अभी अंकल जी ढूंढ रहे हैं कि इसका वो कहाँ है एकदम एंड पॉइंट। और ये लो भाई, वाओ 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 भाई वाह, एक और बार एक और बार अंकल वंस मोर, एक और बार एक और बार, ओए होए होए वाह भाई वाह, बड़ा प्यारा लग। कुछ और देखोगे? चलो अभी रुके रहो, अभी रुको, अभी एक और चीज दिखाते हैं, रुको मैजिक दिखाते हैं। अब आने वाला भाई आपको रॉयल इनफील्ड सामने। ये आ चुका भाई अब रॉयल इनफील्ड, और अब इस तरफ की भाई टेप हटाई जा रही है, और यहाँ पे अब स्ट्रेट लाइन आ चुकी है बाहर, और इस तरफ का भी रॉयल इनफील्ड हटेगा। अब ये स्टिकर हटाने देते हैं अंकल जी को, और उसके बाद जब क्लियर लगेगा अपने इस टैंक पे तब आपको मिलते हैं। सो दोस्तों अब टंकी पे भी भाई क्लियर मारना चालू कर दिया अंकल जी ने, और अब शाइन देखना यार कितनी ज़्यादा प्यारी आने वाली है निकल के। और अभी थोड़ी बहुत तो आपको दिख रही होगी इस तरफ, और इस पर भी शाइन आ चुकी है, और यहाँ पर भी शाइन आ चुकी है चेहरे पर एक अलग ही लेवल की। ये देखो भाई, मतलब हमारी जो एक हफ्ते की मेहनत थी ना वो एकदम वसूल हो चुकी है टैंक पे इतनी अच्छी शाइन देखने के बाद। अभी तो पूरी तरीके से आई भी नहीं है, अभी आएगी। और ये देखो यार कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई टंकी। और मैंने कुणाल भाई को ये कहा था कि भाई स्टिकर लगा दो रॉयल इनफील्ड ऐसे करवाने की जगह, पर अब मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई सही करा स्टिकर नहीं लगवाया, क्योंकि जो ये वाले ग्राफिक्स आए हैं ना निकल के पेंट जॉब के, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े आ रहे हैं भाई निकल के। मतलब मेरा मन कर रहा है कि अपनी बुलेट एक और बार पेंट करा दे, नहीं को एक और बार पेंट करा दे, यूनिक सा हो गया, मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम यूनिक सा कर दिया भाई ने। तो बस कुछ ही देर में आपको टैंक की फाइनल लुक मैं यहाँ पर चेक करा दूंगा। अभी अंकल जी को इसको अच्छे से क्लियर अप्लाई करने देते हैं, फिर जब टैंक पे क्लियर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा तब मैं आपको एक बार लुक इसकी चेक कराऊंगा टॉर्च मार के कि जो इस पर स्पार्कल्स आ रहे हैं ना भाई वो कितने ज्यादा प्यारे आ रहे हैं निकल के। स्पार्कल्स देखो देखो कुणाल भाई, अरे वाह देखो कितने ज्यादा प्यारे आ रहे हैं यार निकल कर स्पार्कल्स भाई, मजा आ गया। मतलब मेरे को पहली बार सच में ऐसा कुछ काफी ज्यादा पसंद आया, और हो सकता है भाई टंकी मैं भी ऐसी करा दूं कुछ दिन में, क्योंकि कुछ सीन है मेरी टंकी के ऊपर जो हो सकता है मैं पेंट करा दूं उसे जल्दी, ठीक है।
तो अपनी टैंक भी हो चुका है पूरा अच्छे तरीके से पेंट। सो दोस्तों अब यहाँ पर आ चुका है हेड होल और इस पे लग रहा है अब क्लियर, और बस यही एक पार्ट रह गया है अब अपनी क्लासिक 350 का। मतलब सारे बड़े बड़े पार्ट्स तो हो चुके हैं भाई क्लियर लग के रेडी, बाकी जितने भी छोटे मोटे पत्तियाँ वत्तियाँ वो सब था ना वो सब अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, वो देखता हूँ मैं अगर अंधेरा नहीं होता तो आपको दिखा दूँगा, अगर अंधेरा हो जाता है फिर भाई क्या करें, फिर आप नेक्स्ट पार्टी देखना इसका जब असेंबल होगी अपनी क्लासिक 350 क्लासिक नहीं अब तो भाई बुलेट ही कहूँगा मैं उसे, ठीक है। तो ये बस अंकल जी ने फाइनल कर दिया है, तो अभी अंकल जी को इसे फाइनल करने देते हैं और आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।